What to expect after spine surgery? आज हम बात करते हैं स्पाइन सर्जरी के बाद मरीज को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। यदि आपको सर्वाइकल स्पाइन की या फिर लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम है, गर्दन में डिस्क निकली है, कमर में डिस्क निकली है, बस पे दबाव है जिस कारण वो आपकी तकलीफ हाथों में जा रही है, कमर की तकलीफ के कारण वो आपकी परेशानी पैरों में जा रही है जिस कारण सुनपन झंझनाहट दर्द आ रहा है या फिर कमजोरी आ रही है जिसके लिए आपको स्पाइन की सर्जरी की जरूरत पड़ रही है, तो एक पेशेंट की, एक मरीज की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए सर्जरी के बाद, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो मरीज को बेनिफिट होती है स्पाइन सर्जरी के बाद वो है पेन। स्पाइन सर्जरी के अगले दिन यदि आपकी डिस्क निकाल दी जाती है तब अच्छा रहता है, तो 80-90% केसेस में वो पेन चला जाता है, दर्द सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है स्पाइन सर्जरी के बाद। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें दर्द थोड़ा सा परसिस्ट करता है, वरना मेजॉरिटी केसेस में 80-90% केसेस में स्पाइन सर्जरी के अगले दिन ही पेशेंट का पेन स्कोर सिग्निफिकेंटली कम होता है। सेकंड, अगर हम बात करें सुनपन की, झनझनाहट की, पैरेस्थीसिया और नमनेस, पैरेस्थीसिया और नमनेस को अप्रोक्सीमेटली 6 वीक्स लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने सर्जरी की और अगले दिन नसों में जो सुनपन था, झनझनाहट था, वो बिल्कुल ठीक हो गया, धीरे धीरे बेहतर होने लगता है, कम होने लगता है, एवरेज 6 वीक्स। कुछ रेयर केसेस में यदि दबाव बहुत ज्यादा होता है या नस बहुत ज्यादा प्रभावित होती है तो 3 महीने तक लगता है। तो अगर हम एवरेज ड्यूरेशन की बात करें नमनेस पैरेस्थीसिया की, तो 6 वीक से 3 मंथ्स तक लग जाते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। थर्ड है वीकनेस। यदि आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है और नस कमजोर होने के कारण हाथ में कमजोरी आ गई है, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस में यदि हाथ में कमजोरी आती है तो हाथ से चीजों का छूटना या हाथ ऊपर ना कर पाना, चीजों को ना पकड़ पाना या साइन ना कर पाना, यदि मोटर वीकनेस है तो ये परेशानी की बात है क्योंकि ये धीरे रिकवर करती है। सेम वे लंबर स्पॉन्डिलोसिस में चलने में दिक्कत आना, पैर का पंजा या अंगूठा ऊपर नीचे ना होना, पैर में जब कमजोरी सर्जरी से पहले ही आ जाती है तो सर्जरी के बाद भी वो बहुत धीरे धीरे इम्प्रूव करती है और 3 से 6 महीने तक लग जाते हैं चीजों को बेहतर होने में। उसके लिए सर्जरी के बाद भी लगातार उसकी एक्सरसाइज करना, फिजियोथेरेपी कराना, वो हमें कंटिन्यू रखना पड़ता है ताकि जो पावर गई है, जो मसल्स वीक हुई है, वो धीरे धीरे करके बेहतर हो सके। उसके बाद चौथी चीज, बाउल एंड ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट। ये सबसे डेंजरस होता है जिन स्पाइन के केसेस में सर्जरी से पहले ही बाउल यानी कि मोशन कंट्रोल करने की क्षमता खत्म हो जाती है या फिर मरीज पूर्णतः पेशाब सही प्रकार से नहीं कर पाता, पेशाब का रुक जाना या पेशाब को प्रेशर से ना निकाल पाना, एक थार ना बना पाना, ऐसे केसेस में बहुत दिक्कत मानी जाती है। यदि ऐसी कोई भी दिक्कत है, आइडियली आप जल्द से जल्द स्पाइन सर्जरी कराएं क्योंकि अगर आप इसे लेट करते हैं तो फिर ये सबसे लेट रिकवर होती है। तो अगर हम बात करें स्पाइन सर्जरी के बाद चीजों के इम्प्रूवमेंट के बारे में, सबसे पहले पेन इंप्रूव करता है, फॉलोड बाय नंबनेस, टिंगलिंग, पैरेस्थीसिया, फॉलोड बाय मसल वीकनेस और लास्ट वन इज बाउल एंड ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट। इसके अलावा स्पाइन सर्जरी के बाद भी कुछ चीजों का ध्यान रखें, झुके नहीं, भारी वजन ना उठाएं, झटके ना लगे, नीचे आलती पालती मार के ना बैठे, इन सब चीजों का शुरू के 3 महीने में आपको प्रिकॉशन लेना। थैंक यू।